खबर रीवा से, जहां बीते दिनों मनगवां थाना के अंतर्गत मलकपुर तालाब में ईदगाह के पास आयोजित कव्वाली में विवादित बयान देने वाले कानपुर के कव्वाल शरीफ परवास को रीवा पुलिस ने कानपुर से गिरफ्तार कर शनिवार को न्यायालय में पेश किया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया है। कव्वाल के द्वारा हिंदुस्तान के साथ ही देश के प्रधानमंत्री के खिलाफ विवादित बयान दिया गया था, जिसका वीडियो सोशल मीडिया में जमकर वायरल हुआ था, जिसके बाद उन पर मामला दर्ज कर गिरफ्तारी की कार्रवाई की गई है। जो कव्वाल थे पिछले दिनों में, जो इन्होंने कुछ धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाली कव्वाली गाई थी, उनको जेल दाखिल किया गया है जुडिशियली रिमांड पर। किन किन धाराओं पर? इनके खिलाफ 153 है, 505 है, 298 है, धार्मिक भावनाएं ठेस पहुंचाने के लिए। कहां से गिरफ्तार किया गया था इनके लिए? विभिन्न जगहों पर टीम भेजी गई थी, जैसे कानपुर है, लखनऊ, मेरठ, काफ़ी प्रयास, पुलिस के प्रयासों के बाद ये मिले हैं। और शरीफ परवेज जिनका नाम है, कानपुर के रहने वाले हैं, देहात के, ये पुलिस की अथक प्रयासों के बाद, ये गिरफ्तार होने के बाद इनको माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किया गया, जहां से जुडिशियरी रिमांड पे जेल दाखिल कर। बीते 28 मार्च को मनगवां थाना के अंतर्गत मलकपुर तालाब में ईदगाह एवं उर्स कमेटी के द्वारा कव्वाली का आयोजन किया गया था, जिसमें कानपुर के शरीफ परवाज को श्रोताओं का मनोरंजन करने के लिए आमंत्रित किया गया था। कव्वाल के द्वारा मंच से देश के प्रधानमंत्री एवं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को कुछ नहीं समझते हुए हिंदुस्तान को लेकर विवादित बात कही गई थी। सोशल मीडिया में ये वीडियो जमकर वायरल हुआ, इसके बाद इस मामले ने तूल पकड़ा, जहां पुलिस ने कव्वाल शरीफ परवाज सहित उर्स कमेटी के आयोजक के खिलाफ बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद की शिकायत पर मामला दर्ज कर लिया था। इस मामले का वीडियो वायरल होने के बाद प्रदेश के गृह मंत्री ने इस मामले में जल्द से जल्द गिरफ्तारी के भी आदेश दिए थे, जिसके बाद रीवा पुलिस हरकत में आई और कव्वाल को गिरफ्तार करने के लिए टीम कानपुर के लिए रवाना हुई थी। आरोपी को गिरफ्तार कर अपने साथ लाई है। सोमवार को पुलिस कव्वाल उर्पीट, जहां कव्वाल को गिरफ्तार कर पुलिस अपने साथ रीवा लाई है। सोमवार को पुलिस कव्वाल को मेडिकल परीक्षण के लिए कुशाभाऊ ठाकरे जिला चिकित्सालय ले गई, जहां से उसे न्यायालय में पेश किया गया और जिसके बाद कव्वाल की जमानत याचिका को खारिज करते हुए जेल भेज दिया गया है। हालांकि सोशल मीडिया में ये वीडियो वायरल होने के बाद कव्वाल शरीफ परवाज ने भी माफी मांगी थी और अपनी सफाई देते हुए वीडियो जारी किया था। वीडियो में कह रहा था कि मैंने ऐसी कोई गलत बात नहीं की, मैंने ये कहा था कि हमारे मोदी जी भी हैं, यहाँ योगी जी भी हैं, अमित शाह भी हैं, मैंने कोई गलत बात नहीं की है, उनसे भी बड़े हैं, कौन है बड़े? अल्लाह ईश्वर तो उनकी बात सिराखों पर, अल्लाह ईश्वर तो उनकी बात सिराखों पर, मोदी जी मेरे दिल में है, योगी जी और अमित शाह मेरी जान है, मैंने उनके लिए नहीं कहा था। हालांकि माफीनामे के वीडियो के बाद भी वो बच नहीं पाए और रीवा पुलिस ने उन्हें कानपुर से गिरफ्तार कर लिया है।